কে কুস্তি খেলা গেছিল? বাজার না অ্যাক্টিভিটি দেখে দি। गाइज़, ये है लोहरी की रात और जहाँ हम रहते हैं घर के साइड वाले घर में ये लोग लोहरी का प्रोग्राम बना रहे थे और डांस कर रहे थे, तो मैंने वीडियो बनाया। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि ये लोग लोहरी के सॉन्ग ना चलाकर और भी अजीब से सॉन्ग चलाकर उस पर ही डांस कर रहे थे। और ये कुछ लोहरी के दिन हमने सोचा हम भी कुछ लोहरी वाला मटेरियल ले आए घर पर, तो हम मार्केट गए थे शाम को, तो ये सब सामान हम लेकर आए थे। और यहाँ पे ये हीटिंग फैन जो हम लेकर आए थे, ये इसका बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर हमने कुछ किया है। ये देखिए, यहाँ पे इसके अंदर बैठा है लालू प्रसाद, और एक ये व्हाइट वाला और एक इसमें काले वाली भी थी, पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तो तीन थी। तो ये हमने बिल्लियों के लिए सेट कर दिया था कि यहाँ पे ये ठंडे तो सो जाएंगी, लेकिन मुश्किल से जाती है पर अब अपने आप जाने लगी है। और ये दूसरा दिन है, 14 जनवरी है और हम जा रहे हैं गाँव, तो गाँव के लिए निकल रहे थे हम, बस में बैठे हुए हैं। और ये घर से इनके पास फोन आ रहे थे कि कब पहुंचोगे, तो फोन पर बात कर रहे थे और मैंने यहाँ छोटी सी वीडियो शूट की। ये देखिए क्या है, इधर 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 ए बैग रुक कर, मैं तू सी ले ले तू सी ले गाइस, ये है यहाँ पर हमारे घर का गोलू मोलू, इसका नाम है तेजस। और ये इसके बारे में मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था, और ये अभी थोड़ा बड़ा हो गया है। और ये यहाँ का गोलू मोलू है, और हमारे उस घर के गोलू मोलू तो मैं आपको डेली वीडियो में दिखाती रहती हूँ। वो एक लालू प्रसाद है और एक कालू और एक और है, तीन चार हैं वो। और ये यहाँ का गोलू मोलू है, तो ये आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बहुत क्यूट है ना। सो गाइज़, ये देखिए, ये जो कपड़े डालने की तार है ये पूरी बुक हो गई है। इस पर आप देख रहे हैं सारे छोटे 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 कपड़े हैं। एक्चुअली कुछ कपड़े तो सूख कर नीचे जा चुके हैं। हम लगभग 6 सदस्य यहाँ पर जिनके कपड़े इस रस्सी पे आते थे, अब सारी ये तार इस छोटे से सदस्य ने बुक कर ली है। और आज मैंने सासू माँ की फरमाइश पर बनाए पकौड़े। तो ये यहाँ पर सो रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर थी तो फोन पर बात की थी, तब तक तो जाग रहे थे, और मैं नीचे आई तो ये सो चुके हैं। सो रहे हो? हेलो, सो रहे हो? वीडियो एडिट नहीं कर रहे? मैं कर लूँ फिर। सो भी टाइम हो रहा है शाम के 5 और ठंड भी हो रही है, तो चलो स्वेटर डाल लेते हैं और चलते हैं किचन में, करते हैं खाने की तैयारी। और गाइस, ये जो लस्सी में से घी निकलता है ये यहाँ पर गर्म होने के लिए रखा था। साथ ही ये यहाँ पर आए हैं ये सब्जियाँ, इसमें बस मेथी, पालक, हरा धनिया, हरा लहसुन वगैरह है। ये जहाँ भैंस वगैरह बांधने जाती है तो वहाँ जगह थी, वहाँ पर लगाए हुए, तो अभी लेकर आई। गाइस, ये जो साग आया रखा है पालक मेथी, तो अभी बनानी है मेथी की चटनी, और मैं मेथी की चटनी बनाऊंगी। यहीं पर आकर ही मैंने खाना सीखी और यहीं पर आकर पता लगा कि मेथी की भी चटनी होती है। तो अगर आप हरियाणा से हो तो आपको मालूम होगा कि मेथी की चटनी बनती है, और नहीं तो आप देखो कैसे बनती है। और तो मैं अभी करती हूँ स्टार्ट। तो गाइस, शायद आपको पता होगा कि गाँव में चटनी कैसे बनाई जाती है, और मुझे इतना नहीं पता था, यहीं आकर देखा। तो ये है चटनी बनाने का, इसमें सारा मटेरियल डाल के और इसको कूटा जाता है, तो इसमें चटनी तैयार हो जाती है। लेकिन मैं इसमें चटनी नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता है बनाने में, और कूटता ही नहीं है मेरे से, ठीक से बन नहीं पाती। तो मेथी की चटनी बनाने के लिए मेथी को मैंने वॉश कर लिया है, इसमें हरा धनिया भी है, और इसमें हमें चाहिएगा लहसुन और हरी मिर्च और थोड़ा नमक ऐड करेंगे, तो ये चटनी बनाऊँगी मैं मिक्सी में। सो ये जार में मैंने डाल दिया है हरी मिर्च और लहसुन, और फिर ये मेथी मैंने वॉश करके रख ली थी, इसमें डाल दूंगी मैं मेथी। इसमें ऐड करेंगे हम नमक, ज़रा सी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड करेंगे।
और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे लस्सी यानी कि छाछ थोड़ी सी, हल्का खट्टापन आने के लिए। चटनी के साथ ही सिर्फ रोटी खाने वाले हैं और साथ में दूध या लस्सी। रही बाल्टी, इसमें आएगा अभी दूध दो बार आएगा और यहाँ पे आप एक और ये देख रहे हो, उसको आप क्या बोलते होगे यहाँ पे, तो उसको किटली सी ऐसे बोलते हैं। तो एक बाल्टी दूध इसमें जाएगा, ये डेयरी पर देकर आना है, और एक बाल्टी घर पर यूज़ होगा। तो मेथी की चटनी तो तैयार हो गई है और कल बनेगा रायता। तो हम रायता बनाते हैं जैसे, तो बूंदी का रायता बनता है और मीठा रायता बनता है, फ्रूट रायता होता है, और भी रायते होते हैं, लेकिन यहाँ पे बनते हैं गाजर का रायता, पालक का रायता, मूली का रायता, इस टाइप से यहाँ पे रायते बनते हैं। और यहाँ पर रायते को बोलते हैं खट्टा। अभी वो मुझे मम्मी बोल के गई हैं कि खट्टा बना ले, तो खट्टा होता है यहाँ पे, कैसे बनता है वो मैं बताऊँगी आपको। तो पालक का बनाना है खट्टा यानी कि रायता। तो पालक काफ़ी सारी डलेगी उसमें, तो पालक अभी मैं कटिंग करके रख दूँगी क्योंकि सवेरे सवेरे जल्दी खाना बनेगा, क्योंकि टिफ़िन भी जाता है सवेरे, भैया जाते लेके जाते हैं। तो मैं अभी पालक वगैरह की कटिंग करके रख दूँगी और सवेरे उसको बॉईल करके फिर उसको कूट के फिर उसका बनेगा रायता। तो फिर वो मैं आपके साथ कल उसकी वीडियो भी शेयर करूँगी। सो गाइस, दूध भी आ गया है, ये रहा दूध, और ये यहाँ रही लस्सी यानी कि छाछ। और ठंड का मौसम है तो छाछ अभी भी खट्टी नहीं हुई है, तो मैं अभी छाछ पीने वाली हूँ। सो ये पालक मैंने कटिंग करके रख दी है, सवेरे का अरेंजमेंट कर लिया है, इसका बनाना है रायता। और ये जो सारा मटेरियल था इसको अलग अलग कर लिया है मैंने, काफ़ी मशक्क़त लगी इसमें। लहसुन और हरा लहसुन और धनिया था ये इसमें डाल कर लिया है, और मेथी अलग कर ली है, और ये रही पालक बची हुई, और बहुत टाइम लग गया। और दोस्तों, काम करते करते मुझे मिला ये पैकेट। तो ये पैकेट देख रहे हो आप, ये परसों गए थे मार्केट तो लेकर आए थे, इसमें है मैदा। तो मैं सोच रही हूँ इसका कुछ करते हैं, तो कल मैं ये मैदे से कुछ बनाने वाली हूँ, तो इसको भी रख देते हैं, फिर कल सारा काम करने के बाद हम इसका कुछ करेंगे, ठीक है।